नमस्कार दोस्तों, बे ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो स्कॉडा फैबिया पेट्रोल गाड़ी के ऊपर है। ये गाड़ी बंद है, स्टार्ट नहीं हो रही है। ये खींच के मेरे पास लाई है बहुत दूर से। ये गाड़ी का प्रॉब्लम ये है कि इसका क्लस्टर ऑन नहीं आ रहा है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। इस गाड़ी की हिस्ट्री मैंने कस्टमर से पूछ ली तो उसने बताया कि ये गाड़ी एक मैकेनिक ने ट्राई की थी और उसके पास स्टार्ट भी हो गई थी और दूसरे दिन फिर से बंद पड़ गई। और बाद में उसको बुला के दिखाया तो उसके पास ये गाड़ी हुआ नहीं, 3 महीने से गाड़ी मैकेनिक के पास पड़ी थी। तो कस्टमर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और मैंने बोला कस्टमर को कि गाड़ी मेरे पास लेके आओ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी चाबी अभी ऑन ही है, फिर से ऑफ़ करते हैं, ऑन करके दिखाते हैं। इसका लॉक थोड़ा जाम है क्योंकि ये 3 महीने से बंद थी। इसके लिए तो देखो अभी चाबी मैंने ऑन की, फिर से निकालते हैं और ऑन करते हैं। तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डेड है, एक भी लाइट नहीं है इंस्ट्रूमेंट में। इसके फ्यूज़ भी सब चेक हो चुके हैं। तो मैं इसका पहला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही निकाल देता हूँ और टेबल पे चेक करता हूँ। इस क्लस्टर को मैंने शॉप में लाया, अभी खोल के देखते हैं इसको। कस्टमर का कहना है कि उस मैकेनिक ने इसको बॉम्बे से रिपेयर करके लाया था और दूसरे दिन ही फिर से ख़राब हो गया। इस बोर्ड को चेक किया मैंने, इसका प्रोसेसर शॉर्ट है और इसके रेगुलेटर आईसीज भी शॉर्ट है, इनको बदलना होगा। एक 5-6 दिन के बाद आईसीज मेरे पास आ गए और आईसीज मैंने इसको लगा दिए। आईसीज बदलने का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है खाली। अभी हम इसको पहला गाड़ी में लगा के देखते हैं पावर अप होता है कि नहीं। क्लस्टर का पीछे का कनेक्टर पहला लगा देते हैं और डिस्प्ले में देखो, लगाते ही डिस्प्ले आ गई, शायद लगता है काम हो गया। अब चावी को ऑन करते हैं, यस। और यहाँ देखो पावर अप हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जब गाड़ी दूसरे गैरेज से आते हैं और उनके पास काम नहीं होता है और मेरे पास जब ये काम होता है तब इतना सुकून मिलता है कि बहुत ही खुशी होती है और प्राउड फील होता है। अब गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है तो, क्योंकि क्लस्टर में से ही स्टार्टर मोटर को सिग्नल जाता है क्रैंकिंग। ट्राई करके देखते हैं स्टार्ट करने की। और क्या हो जाओ भाई, नहीं भाई स्टार्ट नहीं हो रही है। इसको पहला स्कैन करके देखते हैं, स्कैनर को लेते हैं सामने और ऑटो स्कैन करके देखते हैं। और ये फैबिया 2007 आफ्टर है, कर देते हैं ओके, बैक जाते हैं। और फुल सिस्टम स्कैन, इसमें करते हैं इंजन को सिलेक्ट। तो भाई इसका ECM कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, ये रीड हो गया। एक DTC है U का, ये कम्युनिकेशन का DTC है। ECM कम्युनिकेट नहीं कर रहा है इसके लिए ये मैसेज आ रहा है, ये DTC आता है। ये एक्टिव भी है, जाएगा भी नहीं। आते हैं बैक, एयर बैग में देखते हैं स्कैन करके। एयर बैग मॉडल रीड कर दिया, इसमें 3 कोड है, ये सभी डिलीट हो जाएंगे क्योंकि ये पैसिव है सभी। कर देते हैं क्लियर, गए, अभी कोई कोड नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट को देखते हैं, इसमें भी 4 DTC है और ये भी सभी पैसिव है, डिलीट हो जाएंगे सभी। हो गए डिलीट, कोई कोड नहीं है अभी। इमोबिलाइजर में देखते हैं,
इमोबिलाइजर में ऐसा कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, नो फॉल्ट कोड। तो ये सभी फ्यूज़ मैंने चेक कर दिए, इस फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी फ्यूज़ ठीक है। इस कवर पे सभी फ्यूज़ का मार्किंग है, देख लिया मैंने, सभी ठीक है। इंजन की तरफ देखते हैं और यहाँ इंजन में देखो बहुत ही गंदा है और चूहों ने इधर होली खेली है पूरी, क्योंकि गाड़ी 3 महीने बंद होने से चूहों को चांस पड़ता है इसमें होली खेलने में। और यहाँ मैंने ECM को निकाल दिया और ECM को बेंच पे चेक करते हैं इस कैन केबल से, और ये ECM का पिन डायग्राम है, इसके मुताबिक मैंने कनेक्शन कर दिया। अभी स्कैनर पे स्कैन करके देखते हैं, यूरोप और स्कॉडा सिस्टम सिलेक्शन, फुल सिस्टम डायग्नोस्टिक, और यहाँ इंजन। और यहाँ ECM रीड कर लिया, ECM का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ सीमेंस 1.2 लीटर, यहाँ ECM को रीड कर लिया, मुझे लगता है ECM में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ फॉल्ट कोड भी है, ये तो पढ़ेंगे ही क्योंकि गाड़ी में नहीं है ECM। तो भाई ECM में कोई पंगा नहीं है, इसका वायरिंग बीरिंग चेक करना पड़ेगा पूरा। ECM में दो जगह 12 वोल्ट जानी चाहिए, एक इस पिन में और यहाँ एक इस पिन में। इसको पहला चेक करते हैं, पहला ग्राउंड चेक करेंगे। मैंने यहाँ पॉजिटिव में टेस्टर लगाया है, ये नेगेटिव है। और ग्राउंड पिन पहला चेक करते हैं, 1 2, और ये है पॉजिटिव पिन और उसके साइड में फिर से ग्राउंड, तीनों जगह ग्राउंड आ रहा है। अभी मैंने टेस्टर नेगेटिव टर्मिनल में लगाया और पॉजिटिव 12 वोल्ट चेक करते हैं, इस पिन में 12 वोल्ट आनी चाहिए, नहीं आ रही है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैं अभी दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया। और देखो इंजन चालू है, और यहाँ ECM के पास मैंने सप्लाई डायरेक्टली दी है, दो क्लिप से मैंने सप्लाई दे दी, जहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रही थी वहाँ, तो गाड़ी चालू हो गई। ये कूलिंग फ़ैन की सप्लाई मैंने निकाल दी थी, क्योंकि ECM निकालने के बाद फ़ैन डायरेक्टली घूम रहा था, इसके लिए मैंने ये निकाल के रखी थी, अभी लगा देता हूँ। अभी हम ढूंढेंगे कि ECM के पिन में सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। मुझे लगता है यहाँ सप्लाई रिले में से आनी चाहिए, जो रिले बॉक्स स्टेयरिंग के नीचे है, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, वहाँ पूरा चेक कर देते हैं। और ये कांटे बराबर नहीं लगाए मैंने, ऐसे ही लगा दिए थे। और मुझे अभी यहाँ स्टेयरिंग के नीचे ढूंढना पड़ेगा कहाँ वायरिंग बीरिंग कट तो नहीं है। तो भाई मुझे यहाँ नीचे फॉल्ट मिल गई, एक वायर कट कर दी थी जो रिले को सप्लाई जाती है वहाँ, और मैंने उसको जोड़ दिया। यहाँ कैमरा जाना बहुत मुश्किल है, शूट नहीं कर पाया मैं। तो फाइनली फ्रेंड्स गाड़ी हो गई रेडी। अभी मैं आपको इंजन मॉड्यूल स्कैन करके दिखाता हूँ स्कैनर पे। गाड़ी चालू है, तो देखो इसे हम इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है। अभी रीड करते हैं फॉल्ट कोड्स, तो कोई फॉल्ट कोड नहीं है, सिस्टम ओके है। 3 महीने बाद ये गाड़ी ठीक हुई है और कस्टमर बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।